हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ आलू के पराठों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ हमने सबसे पहले आलूओं को बॉईल करने रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसको मैश करूँगी। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं मैंने गरम गरम ही आलू को छील लिया है। गरम गरम ये ज़्यादा जल्दी इनका छिलका उतर जाता है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करके इनको मैश करूँगी। मैश इतनी अच्छी तरीके से करना है आपके कि बिल्कुल बारीक हो जाए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आलूओं को बारीक जो है मैश कर लिया है। कोई भी आलू का बड़ा पीस नहीं है, अगर बड़ा पीस रह जाएगा तो आपके पराठे फट भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज। प्याज के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ डालना है आपने। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ लूँगी ताकि मुझे सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स डालने में आसानी हो। अब मैं डालूँगी सारे स्पाइसेस, स्पेसिफिकली लाल मिर्च। उसके बाद डालूँगी मैं नमक। उसके बाद मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर, फिर साबुत धनिया पाउडर, और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। उसके बाद मैं बिल्कुल बारीक हरी मिर्चें डालूँगी बारीक कटी हुई, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ा लिया है। अब इसके अंदर मैं जो है आलू भरूँगी थोड़ा सा बेलने के बाद। आलू भरने के बाद मैं इसको सही से इसका पेड़ा बना लूँगी अच्छी तरीके से। जितने बारीक हमारे आलू होंगे उतना अच्छा हमारा पराठा बनेगा। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बेल लिया है इसको। अब मैं इस पर तेल लगा के इसको फ्राई करूँगी और बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी पराठा हमारा बन चुका है। तो आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी पराठा बनेगा। यहाँ पे एक पराठा जो है मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ क्योंकि पहली वीडियो मुझे सही नहीं लगी। अब मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम पहले एक पेड़ा लेंगे, दूसरे पराठे में भी हम आलू का भुर्ता भरेंगे। उसके बाद पेड़ा हमें अच्छी तरीके से बनाना है, कहीं से भी फटना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने दूसरा पराठा भी फ्राई करने के लिए डाल दिया है और क्रिस्पी और अच्छे बहुत ही जायके में अच्छा पराठा हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अचार के साथ इसको सर्व कर दूँगी और बहुत ही अच्छा जायके में भी अच्छा और क्रिस्पी पराठा यहाँ पर मैं आपको ये देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं अचार के साथ इसकी वन बाइट लेके आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का बना था।